अब असूलों तो खेलना ही नहीं चाहिए लेकिन यार हिम्मत तो करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जो 17 प्लेयर्स की टीम बनाई है, इनामुल हक, अजहर अली और फखर जमान साहब, तीन तो ये हमारे ओपनर्स हो गए। उसके बाद बाबर आजम, असद शफीक, हारिस सुहेल और जो नए प्लेयर हैं उस्मान सिलाउद्दीन, ये हमारा मिडल ऑर्डर है। यूजली हम लोग जो खेलते हैं वो 6 बैट्समैनों के साथ खेलते हैं। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या चाह रहे हैं भाई। सरफराज साहब विकेट कीपर है और बहुत बड़ा एग्जाम है उनकी कैप्टनशिप के लिए। जो मेन पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक होगा यासिर शाह और शताब खान, जो कि हमारे दोनों मेन की बॉलर्स हैं और दो लेग स्पिनर्स से हम खेल रहे हैं। ये भी बहरहाल अल्लाह खैर करे प्लानिंग कामयाब रहती है। बिलाल आसिफ ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है लेकिन मीडियम पेसर है बेसिकली। मोहम्मद अब्बास, हसन अली, वहाब रियाज प्योरली जो हमारे मेन फास्ट बॉलर्स हैं। फहीम अशरफ ऑलराउंडर, मीर हमजा फास्ट बॉलर, मोहम्मद रिजवान रिजर्व विकेट कीपर है, पेशावर से बिलोंग करते हैं। थोड़ी सिलेक्शन पे हैरत है क्योंकि इनामुल हक नो डाउट वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट मैच में यहाँ शान मसूद को नहीं लिया गया जहाँ उनकी जगह बनती थी, वनडे में उन्हें ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से हम मुसलसल शारजा में जीत रहे हैं सारे मैचेस, ठीक है जी। बहुत बुरी तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वाइड वॉच किया था। अब क्या होगी सिचुएशन? उस वक्त यासिर शाह के साथ दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे हमारे, अब क्या रहेगी सिचुएशन नहीं पता। बाबर आजम, असद शफीक, हारिस सुहेल, दस ओके, उस्मान सिलाउद्दीन का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बिलाल आसिफ नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो और फहीम अशरफ, लेकिन दोनों ये वनडे के स्पेशलिस्ट हैं। टेस्ट मैच में हमारा लग इनको लिया गया है, देखते हैं क्या रहती है सोलकर। मोहम्मद अब्बास, हसन अली, वहाब रियाज का सिलेक्शन ओके, मीर हमजा ओके, मोहम्मद रिजवान रिजर्व विकेट कीपर हैं, परफॉर्मेंस भी है लेकिन एक दो और भी थे, ये भी बेसिकली हार्ड हिटिंग बैट्समैन है तो टेस्ट में बहरहाल फिर भी ये सूटेबल है। बिलाल आसिफ, फहीम अशरफ और इनामुल हक के सिलेक्शन का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुछ ज़्यादा बेहतर इनसे प्लेयर्स हैं जो वनडे के बजाय टेस्ट के लिहाज से ज़्यादा सूटेबल थे। एनी हम बैसो लग स्पिन अटैक है, अगर यासिर शाह और शताब खान के चक्कर में आ गई ऑस्ट्रेलियन टीम तो हम जीत सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है।